हो आप लोग? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं भी बढ़िया हूँ यहाँ पे। एंड 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 कुछ दिन से ना भुवनेश्वर का मौसम इतना अच्छा हो रहा है, इतना अच्छा हो रहा है, इतना अच्छा हो रहा है कि मैं आप लोग को नहीं बता सकती। अच्छा इन द सेंस क्या, बहुत बारिश बारिश वाला मौसम हो रहा है, तो वो मुझे ना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि गर्मी नहीं लगती यहाँ पे। इतना गर्मी होती है ना, बारिश होने से खैर थोड़ा सा लाइक वो मिल जाता है, ठंडक मिल जाता है। तो आज क्या क्या हो रहा है ब्लॉग में मैं सब आप लोग को शेयर करूँगी। एंड तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। एंड अभी जा रही हूँ मैं ब्रेकफास्ट करने, सुबह का टाइम है। सांभर सांभर बन रहा है एंड उत्तपम बन रहा है, और लंच के लिए बन रहा है रोटी एंड सब्जी, क्योंकि आज है थर्सडे। तो हम लोग के घर में थर्सडे में कोई इतना चावल वावल प्रिफर नहीं करता। तो चलो देखते हैं। मैं अभी जा रही हूँ थोड़ा सा रिलायंस, थोड़ा कुछ शॉपिंग करना है, घर की चीज़ ही पट से जाऊँगी एंड आ भी जाऊँगी। चलो चलते हैं, लेट्स गो। दिखाती हूँ मैं आज का। प्यारा मौसम है सच में, बहुत अच्छा लगता है मुझे ये मौसम में। आज तो अभी शॉप जाऊंगी मैं थोड़ी देर में, ब्रेकफास्ट तो कर लिया है, खाना वाना भी अब साइड बाय साइड उधर बन रहा है। तो जब जाऊंगी तो चाय पी के ज़रूर जाऊंगी, बहुत मन है मुझे। A few moments later. शॉपिंग हो गया डन और जा रही हूँ घर के लिए। यहाँ मेरे सामान, यहाँ लिफ्ट और यहाँ हम खुल जा सिम सिम। क्या बढ़िया था गुरु। One hour later. Guys, मैं निकल गई हूँ यहाँ पे शॉप के लिए मैं एंड ये A few moments later. Guys, मैं भी शॉप से आ रही हूँ घर के लिए एंड यस आज का ऐसा ही था डे। था क्या भी है भी कुछ कुछ घर जाने के बाद मैं दिखाऊंगी क्या कर रही हूँ क्या नहीं। रघु और मैं हैं और हम दोनों ही मिलके चले जाएंगे क्योंकि आज उनका कुछ ऐसा खास काम नहीं था और बहुत बारिश भी होती बाहर, तो इसीलिए वो नहीं गए कहीं भी, उनके काम सब रुक गया था। हाँ। घर? पहले थोड़ा सा चाय पिला देना फिर चले जाएंगे। एक हिमाचल से तो कंडो पियोगे? नहीं 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 कोई जरूरत नहीं है। हेलो कौन हो जो? मैं है ना यार यहाँ इतना बड़ा भुवनेश्वर में, तुम लेके चलो चाय। पीनी है मतलब पीनी है? पीनी है पीनी है हमको पीनी है, चाय पीना है हमको चाय पीना है। मंगली कौन है? मंगली की कॉफी में। कॉफी में चाय पीना? मतलब ऐसा हुआ था कि वो चिल्ला चिल्ला के गा रहे थे एकदम बेसुरा,
वैसे वो ठीक ठाक गाते हैं, लेकिन वो बेसुरा गा रहे थे और मैंने ऐसे ग्लास खोल दिया था तो अभी वो बदला ले रहे थे, वही मैं आप लोग को दिखा रही थी। One hour later. Guys, मैं आ गई हूँ घर एंड अभी मतलब वही रूम ही क्लीन कर रही थी मैं, कि होता है ना कि आप रूम से कहीं जाओ तो ऐसे बिखरा के चले जाते हो, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं करती हूँ, कभी भी नहीं। बस जितने कपड़े धुले थे उसको मैंने सेट किया रघु का, क्योंकि मोस्टली उनका ही ज़्यादा कपड़ा रहता हमेशा। देखो मेरा, मैंने पूरा इसको सेट कर लिया है, बस थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे हल्का वो हो गया है, लेकिन इट्स ओके, ठीक है। एंड चलते हैं। इतना सारा बर्तन जो है ना, इसको मैं पहले ठिकाने लगाती हूँ, क्योंकि ये ऐसे रहेगा ना तो मेरे को ऐसे लगेगा इस टाइप का, तो वो पहले मैंने ठिकाने लगाना है, उसके बाद फिर जूस वूस जो बनाना है बनाऊंगी। भाई आराम से इसको निपटाती हूँ, फिर उसके बाद हमारे घर में बना है आज गुलाब जामुन केक। जब हाथ तो बढ़ ही दी चो दिया मेरे मुंह में, देख कलर कितना लगा है। कैसे पता नहीं। मतलब से सबके मुंह से मुझे सबके मेरी ये मीठा कर दे, मजेड़ा खा दिया। मैंने बनाया है सट्टे, इसमें ना बहुत सारे वेजी है और उसके साथ साथ मशरूम भी है, तो ये बहुत हेल्दी भी होता है एंड क्या टेस्ट भी अच्छा लगता है। चलो मैं नहा लेती हूँ, फिर उसके बाद खाऊंगी, क्योंकि अब देख सकते हो मैं कितनी पसीनी हो गई हूँ। सो गाइस, मैं आ गई हूँ फ्रेश होके। तो मैं सोच रही थी कि चलो मैं बहुत दिन बाद आप लोग के साथ नाइट स्किन केयर रूटीन मतलब शेयर करूँगी, क्योंकि मॉनसून के साथ साथ मेरा नाइट स्किन केयर रूटीन में भी थोड़ा सा इतना चेंज आ गया है, क्योंकि हम ना मतलब मौसम के हिसाब से अपना स्किन केयर करते हैं। जैसे कि हमको समर में थोड़ा सा हाइड्रेशन ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है एंड जब ज़्यादा ठंडी आती है लाइक विंटर में ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग रखते हैं स्किन को, क्योंकि वो ड्राई हो जाती है, और मॉनसून में भी ऐसा थोड़ा सा हल्का फुल्का चेंज आता है। तो चलो मैं करती हूँ स्टार्ट। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यूज़ करूँगी ये वाला और प्लीज़ बैकग्राउंड जो भी है बैकग्राउंड साउंड को थोड़ा सा इग्नोर कीजिए, क्योंकि यहाँ पे मेरे हस्बैंड जो है ना वो पबजी खेल रहे हैं और उनका तो मैं कुछ नहीं कर सकती, रूम से तो उनको निकाल भी नहीं सकती, तो प्लीज़ का है ये वाला। इसमें है रोज़ वाटर टोनर विथ हाइलुरोनिक एसिड, जो कि आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। ये अच्छा सा रिफ्रेशमेंट देगा आपकी स्किन को एंड हाइड्रेट ऑल्सो रखेगा। बस थोड़ा सा ऐसे ही स्प्रे करना है, देन ये सूख जाएगा थोड़ी देर में। फिर ये वाला जो है एक्वालॉजिका का अंडर आई क्रीम, ये मैं एक्चुअली बहुत भूल जाती हूँ, बीच में ऐसे कंटिन्यू लगाती हूँ फिर भूल जाती हूँ, तो ये बहुत अच्छा काम करता है गाइस। अगर आप इसको रेगुलरली लगाओगे तो आपको पक्का इफेक्टिव लगेगा। और यहाँ पे मैंने दे दिया वॉइस ओवर, क्योंकि रघु साइड में पबजी खेल रहे थे, उनका बहुत शोर शराबा हो रहा था। फिर ये एक्वालॉजिका का था नाइट क्रीम, उसके बाद थोड़ा सा लग रहा है लिप बाम एंड माई लुक इज कम्प्लीट। The next day. Guys, good morning. उठ गई हूँ मैं एंड बनाई हूँ चाय, पापा को देख के आती हूँ। और अब मैं खुद भी पी लेती हूँ, बारिश का मजा लेती लेती, इतना मस्त बारिश हो रहा है। एक मिनट में दिखाती हूँ आप लोग को। रेडी शॉप जाने के लिए, मैं खाना बस पैकिंग करके अभी निकलने ही वाली हूँ। सो गाइस, अभी हम लोग थोड़ा सा मतलब शॉप के रास्ते में ही हैं एंड कुछ काम याद आ गया था तो वही निपटा रहे थे अभी। तो बहुत गर्मी पड़ गया यार, सुबह का मौसम इतना अच्छा था, अभी का दिखाती हूँ। अंबर हो गए हैं बारिश के बाद, वही दिखा रही हूँ कि ये वाले जो धूप होते हैं ना बड़ी चंट से लगती है, कड़क होती है।
रघु को बोला था थोड़ा सा मौसम्बी का जूस पिला दो, वही है। चलो मैं ये निपटाती हूँ। A few moments later. Guys, मैं अभी घर जा रही हूँ, रात भी हो चुकी है। एंड यहाँ पीछे जो सामान देख रहे हो ना, ये जा रहा है हम लोग का मतलब स्टोर से कहीं पे डिलीवरी होगा, बस में जाएगा, वो कल पहुँचेगा। तो वही चीज ही इधर पीछे डाला हुआ है। एंड रघु को बहुत जोर का भूख लग रहा था, वो गए हैं तो कुछ खाने के लिए। यहाँ से फट से तुरंत खा के हम लोग निकल जाएंगे। तो देखो मैं क्रिएटिविटी की हूँ, ये एक इयर रिंग था। एंड देखो यहाँ पे ऐसे, तो इयर रिंग को मैंने पहन लिया है, सुंदर लग रहा है ना, है ना, है ना, है ना। वाह दीदी, वाह दीदी, नहीं नहीं दीदी, वाह दीदी, दीदी दीदी। सो यस, अभी निकलूंगी तो उनको भूख लग रहा है, देखते हैं हम कुछ खाने के लिए मिल जाएगा तो खा लेंगे। लेट्स गो। हमारा हॉट डॉग एंड यहाँ पे तंदूरी वाला कुछ खा रहे हैं, ये मुझे नहीं पता। और यहाँ पे है चिकन इंटरनेट, बहुत जोर का भूख लग रहा था। चलो गाइस, मैं इसको निपटाती हूँ, फिर मिलती हूँ बस स्टैंड में। भगवान कितना जाम है इधर गाइस, क्या करें हम, हमको बलांगीर वाला बस चाहिए। यहाँ पे कितना कीचड़ कीचड़ हुआ है यार बारिश की वजह से। सामने देख लो कितना गंदा हुआ है एकदम। ये है न्यू बॉस्टन, ये है न्यू बॉस्टन भुवनेश्वर का। जो जो भुवनेश्वर में रहते हो ना, आ जाना यही बलांगीर। बलांगीर ଏଇଠି ତ ବଲାଙ୍ଗୀରଟା ପୁରା ଲାଗିଛି, ଯୋଉଟା ଯୋଉଥିରେ ବଢିଆ ବସ ଦେଖିକି ଦିଅ ସେଇଠି ବି ଅଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ସତପଥୀ। मिल गया हमको बॉस, ये बस मिल गया। लेकिन साला उतरने के लिए जगह एकदम वाहियात जगह है। exactly, इनको बोल देते हैं ना ये लोग, वो कर देंगे। नहीं इनको बोल देते हैं ये लोग कर देंगे, है ना। मोर मोर फोन डा उठाना, ये जगह डा दे इतने मत, तो फोन डा दे उठे को सुविधा हो। ओ सॉरी, क्या पागल हो गया तुम? कॉलिंग यू बिट लेटर, मोर पर्स पर्स। सुना टिके भाई, टिके सुना, दुर्गा मंडप पाखे अटके एटा उतरेबे हला। दुर्गा मंडप जदि थिबे बोले से माने थिबे, से माने थिबे है ना, थिबे है ना, थिबे। आरो केते बजे पहुंचिबो? केते बजे? गाइस मैंने एक्चुअली ब्लॉग का एंड नहीं किया हुआ था, एंड कल ही मैं सो गई थी, कब सो गई पता नहीं चला, बहुत थक गई थी शायद। तो चलो ये ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आज का ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगा है तो क्या करना है, जल्दी से जाके करना है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।